टॉपिक इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम जो जो मेटल से पॉइजनिंग होती है वो पढ़ेंगे, पॉल्यूशन पढ़ेंगे, दैट्स इट। सो कॉमन एनवायरमेंटल पॉइजन्स में क्या आते हैं? कार्सिनोजन, मींस वो सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करते हैं। टेरेटोजन मींस वो सब्सटेंस जो बेबी में डिजीज कॉज करते हैं। टेरेटोजन मींस विच अफेक्ट द फीटस। एंड म्यूटेशन मींस वो सब्सटेंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। एंड न्यूरोटॉक्सिन्स मींस दीज आर टॉक्सिक टू द नर्वस सिस्टम। एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स मींस विच अफेक्ट द एंडोक्राइन सिस्टम लाइक थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, दीज आर द एंडोक्राइन सिस्टम मींस पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ऑल्सो। सो दीज आर द कॉमन एनवायरमेंटल पॉइजन। देन कम टू द मेटल पॉइजनिंग, द इम्पॉर्टेंट वन इज द लेड पॉइजनिंग विच इज जनरली प्रेजेंट इन द पेंट एंड लेड पाइप। एंड वन पैक ऑफ सिगरेट कंटेन 5 माइक्रोग्राम ऑफ द लेड। देन लेड क्रोमियम इज जनरली अडल्ट्रेटेड विद द करक्यूमीन विच इज अ स्पाइस। एंड द लेड इज प्रेजेंट इन द बैटरीज इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन सोल्डरिंग। एंड वॉट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेड पॉइजनिंग? इट इज अ क्यूमुलेटिव पॉइजन, मीन्स इट इज एक्यूमुलेटेड इन द सेल्स, बोन एज वेल एज इन द ब्लड वेसल्स। देन द अमाउंट दैट इज टॉक्सिक इन अ बॉडी, इफ इट इज मोर देन 10 मिलीग्राम इन चिल्ड्रेन एंड इफ इट इज मोर देन 25 मिलीग्राम इन द अडल्ट, इट इज टॉक्सिक टू अवर बॉडी। इट लीड्स टू द मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ, प्री मेच्योर बर्थ एंड इन चिल्ड्रेन इट कॉज द मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियर चेंज, हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड सीजर। एज यू ऑलरेडी रेड इन द हीम सिंथेसिस दैट लेट इनहिबिट द हीम सिंथेसिस एंजाइम, इट इनहिबिट द ALA एंड ALA डिहाइड्रेटेज, सो इट कॉजेज द एनीमिया बिकॉज इट डिसरप्ट द हीम सिंथेसिस एंजाइम, ALA सिंथेज एंड ALA डिहाइड्रेटेज। देन इफ द ब्लड लेवल ऑफ लेड इंक्रीज मोर देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज कॉल्ड द acute toxicity, leads to encephalopathy, convulsion, mania, neuropathy, abdominal pain and severe anemia. And what is the treatment of किसी भी poisoning के लिए हम antidote के form में substance देते हैं जो उसको absorb करके उसका excretion बढ़ाता है। इसमें हम देते हैं calcium, dodecyl, aditate, penicillamine, val को बोलते हैं British anti-leucite and mercaptofusinic acid is also given in the lead poisoning case. Then next common poisoning is the mercury poisoning. The source of mercury poisoning are 3. One is the elementary mercury, second is inorganic and third is the organic mercury. Ab elementary mercury mein generally it is present in the thermometer. So now and the sphygmomanometer means the BP instrument. So nowadays the mercury containing BP instrument are eliminated from the practice. So to cure the elementary mercury poisoning. So in acute poisoning there leads to the pulmonary edema and encephalopathy. And there is a triad of the mercury poisoning, of elementary mercury poisoning, which is known as एथारिज्म और द मैड हैटर्स डिजीज। इसमें क्या होगा? ओरल रीजन होंगे, ट्रिमर्स एंड साइकोमोटर चेंजेस होंगे। इन तीनों के ट्रायड को हम बोलते हैं एथारिज्म और मैड हैटर्स डिजीज। ओरल रीजन में क्या होंगे? जिंजिवाइटिस, सलाइवेशन एंड सोमेसाइटिस। देन साइकोलॉजिकल चेंजेस में इंसोमनिया, देन शायनेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मेमोरी लॉस। देन इनऑर्गेनिक मर्करी जो होती है वो आपकी जनरली प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होती है एंड इट कॉजेज जिंजिवाइटिस, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग एंड पल्मोनरी एडिमा। एंड इन क्रोनिक केसेस एथारिज्म इज सीन। एथारिज्म में क्या होता है? ओरल रीजंस,
ट्रिमर्स एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। देन मर्करी पॉइजनिंग, आपके कॉस्मेटिक्स में मर्करी इन ऑर्गेनिक प्रेजेंट होती है इन द फंगिसाइड्स एंड इन द पेंट। एंड क्या होता है कि जो मिथाइल मर्करी होती है, बैक्टीरिया जो है वो मिथाइल मर्करी सिंथेसाइज करता है एंड फिश उसको एनगल्फ कर लेती है। एंड बाय ईटिंग दैट फिश इट लीड्स टू द ऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग विच इज नोन एज मिनामाटा डिजीज। एंड द क्लासिकल ट्रायल इज डिसार्थिया, एटेक्सिया एंड विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन। नॉर्मल लेवल इसका लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है एंड यदि 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है तो इट्स अ पॉइजनिंग केस। एंड इसमें मरकैप्टोर डेरिवेटिव्स देते हैं, एन पेनिसिलामीन देते हैं और एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं ताकि उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाए। देन एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन द बिल्डिंग मटीरियल, इन द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड द टॉलरेबल लिमिट इज द 1 ग्राम पर डे व्हेन एंड अ स्मॉल पोर्शन इज एलिमिनेटेड। सो एल्यूमिनियम क्या करता है, वो फ्री रेडिकल फॉर्म करता है जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस एंड आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो हिंडर हो जाता है। सो इट इंटरफेयर इन द हीम सिंथेसिस, इट प्रेसिपिटेट द अल्जाइमर्स डिजीज इन पार्किंसन डिजीज, इसके कारण ऑस्टियोमलेशिया एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द केस ऑफ टॉक्सिसिटी। देन आर्सेनिक पॉइजनिंग, इट इज प्रेजेंट इन द आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन द फ्रूट स्प्रे, पेस्टिसाइड्स एंड इन द रैट पॉइजन। सो व्हाट इट इज अ सल्फाइड एंजाइम एंड इट इंटरफेयर इन द सेल मेटाबॉलिज्म, ये हेमोलाइसिस भी कराता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। एंड इसके सिम्टम्स होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस एंड एंसेफेलाइटिस। देन साइनाइड, साइनाइड से इमीडिएट डेथ हो जाती है क्योंकि इट फॉर्म द चिलेटे एंजाइम विद द फेरिक आयन ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहां प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन विच साइकिल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपकी ईटीसी में प्रेजेंट होता है। सो यदि ईटीसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो हमारा एनर्जी लेवल प्रॉपर नहीं होगा एंड फाइनल स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, थर्ड स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सुसाइडल पॉइजन एंड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम साइनाइड एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट, आलमंड एंड द पीचेस। एंड द एंटीडोट इज द डाइकोबालमिन एसिटेट। एंड अनदर मेथड इज द वी गिव इंट्रावीनस सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम सल्फेट। सो आपका नाइट्राइड जो है वो हीमोग्लोबिन में को मैच हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा एंड जो आपका साइनाइड फेरस से बाइंड था वो रिलीज हो जाएगा, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो साइनाइड से फ्री हो जाएगा। देन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप कोल बर्न करते हैं जब जनरली प्रोड्यूस होता है, सो इट इज प्रोड्यूस बाय द व्हीकल इंजन्स फायर्स। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना लेता है। सो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, सो आपके बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाती, सो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। एंड हम कैसे देखेंगे, आपके ब्लड में चेरी रेड अपीयरेंस मिलेगी एंड हम इसको क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से भी देख सकते हैं। देन देयर आर सर्टेन पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड विच इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, द मोस्ट कॉमन इज द डीडीटी। सो इट इज फैट सोल्यूबल डिपोजिट इन द एडिपोज टिश्यू। देन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होते हैं दीज आर यूज इन द पेस्टिसाइड एंड ये क्या काम करते हैं, इट इनहिबिट द एसिटाइल कोएंजाइम एस्ट्रेज जो कि क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, तो इसलिए प्रॉपरली नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाता। द एंटीडोट इज द
अट्रोपीन सल्फेट एंड कोलिनेस्ट्रेज एक्टिवेटर्स. देन बीपीए इट इज बैंड इन द इट इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिक एंड इट इज बैंड इन द 2012. द फुल फॉर्म ऑफ द बीपीए इज द बिसफॉस्फिनोल. So what it causes? It causes the behavioral changes. It causes diabetes mellitus, hypertension, cardiovascular disease, Alzheimer's disease. It is carcinogenic. Then methanol toxicity. In case of ethanol, when you take methanol, so what is formed? Formaldehyde is formed. So formaldehyde is more toxic and it causes optic neuritis. So what is the treatment? The treatment is the we provide large dose of ethanol ताकि formaldehyde का formation जो है वो decrease हो जाए. Then air pollution जो chemicals contaminate करते हैं air को से बोलते हैं हम contaminated and the substance are known as pollutant. Some are natural like fire, dust etc. Some are suspended particles like dust, soot, artificial particles are कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. एंड व्हाट इज अ स्मॉग? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्मोक, फॉग, एयर एंड अदर केमिकल्स. एंड केमिकल रिड्यूस स्मॉग्स आर द इट इज ड्यू टू द कंबक्शन ऑफ द कोल एंड द ऑयल विच प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो बाय इनहेलिंग द pollutant, it causes the bronchitis and slowly the ventilation capacity decreases. It causes heart disease and also the neurological disturbance. Then passive cigarette smoking, it also affects our health. It causes damage to the bronchioles, it causes bronchitis. Now these are the common industrial pollutants which causes various things like acid fumes. They causes the bronchitis, cyanide. There is no chronic manifestation. The acute manifestation is the it increases the heart rate. It causes acidosis. Then formaldehyde, it causes the cancer. Then halides, these causes the bronchitis. Epistaxis means the bleeding from the nose and dental fluorosis. Then isocyanide, it causes upper respiratory tract irritation, asthma. Then nitric dioxide, it causes the again the lung problems like bronchitis or emphysema. Then sulfur dioxide, it causes asthma, chronic bronchitis. Then certain toxic substances that are present in the food like the toxin which are present in the plant like certain are protease inhibitors like which is present in the soya bean, corn, potatoes. So these inhibit the trypsin. So that it inhibit the digestion and absorption of amino acid and these are destroyed by the cooking. Then certain are the goitrogen means which inhibit the uptake of iodine and utilization of iodine by the thyroid gland. These are present in the mustard seeds and other oil seeds. Some substances contain anti-vitamin like orange peel. It inhibits the vitamin A activity. Then Lancet's oil, it interferes with the pyridoxine utilization. Then blackberries and red cabbage, it destroys the vitamin B1. Then eating raw egg leads to the biotin deficiency. Then certain substances are cyanogenic glycosides in it release the hydroxycyanide. Examples are the sorghum, tubers, bean, etc. And vesem means these cause the uncooked bean causes hemolytic anemia in a patient with the G6PD deficiency. G6PD is glucose 6-phosphate dehydrogenase. क्यों? क्योंकि G6PD से आपका NADPH का सिंथेसिस होता है और NADPH जो होता है वो फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है. एंड एल्कलॉइड्स इज प्रेजेंट इन द मशरूम. सर्टेन मशरूम आर पॉइजनस विच कॉजेज इन स्मॉल अमाउंट इफ यू टेक इट कॉजेज नॉशिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया. सो
some people are allergic to the mushroom because they contain the alkaloids. And large consumption of the poisonous mushroom leads to the necrosis of the liver as well as death. And there are certain pressor amines which increase the blood pressure because they contain the histamine, serotonin and epinephrine. So they increase the blood pressure, which is present in the banana, cheese and beer and wine. So there is a certain contamination during the cultivation. This is because of the presence of pesticides and insecticides. So if you wash the fruits and vegetables properly, so these pesticides and insecticides will not enter to your body. Then certain there are storage contamination in which there is a fungal infection. So post storage food hota hai, to usme fungus develop ho jati hai in the moist condition. So it is present in the fungus is present in the groundnut, coconut, rice, maize and wheat. Then ergots, these fungus is present in the moist food grain like millet, wheat, barley, and they cause the disease ergotism, in which they reduce the vascular contraction and they cause the gangrene. Gangrene ek disease hoti hai jisme proper blood supply hone na hone ke karan aapka unwound proper healing wala ulcer form nahi hota. So that is known as gangrene. Because of the less blood supply, there is not non-healing ulcer is formed in the extremities, which is known as gangrene. So usko bolte hain ergotism. And certain contamination is occur during the food processing, like mineral oil. And these mineral oils are hepatotoxic and carcinogen. Then there is certain adulteration in the food, like in the dal known as kesari dal, it leads to the paralysis of the lower limb because it contains the substance BOA, which is neurotoxic. So it inhibits the lysyl oxidase and it inhibits the cross-linking in the collagen. Then next is the argemone oil. So mustard oil is adulterated with the argemone oil, which causes the epidemic dropsy. So this argemone is an alkaloid and it causes diarrhea, vomiting, congestive heart failure and edema. Then Ajinomoto, it is generally used food additive and which causes numbness and palpitation in the children. So these is not recommended for the children. So these are some household pollutants which causes irritation to our body. Like the overuse of the disinfection, these cause the irritation to the respiratory tract, eyes and ears. And certain cosmetics also leads to the cancer because they contain the phenyl anandamide. And mercury may be also present in the cosmetics.